काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा ढोले, मन में बसी है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली। बाबा जी यो 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 तो फिर भाग आई। अरे यू कहा तरीका ससुराल में आने को, ढंग के लत्ता ना हो तो कहा पहरा खोते नहीं हूँ। घूंघट ना गाती आवे हाथन हलाती। बाबा जी बाबा जी। हाँ बता कहा बाबा जी। बाबा जी तो मैं लत्तन की पड़ रही है, मैं कितनी मुसीबतन में हूँ। मुसीबतन में क्यों कहा होगा? मेरे बाबा को हाथ काट दिया कछु बदमाशन ने। हाथ काट दिया क्यों कैसे? जमीन के लिए लड़ाई चल रही है, कब्जा कर रखो है, तई मारे हाथ काट दो है। यो, 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 यो। ओह वेरी कठिन परेशानी। घबरा मत ना बेटा, तू घबरा मत ना, उधर जाके चारपाई पे जाके बैठो। अंशु बेटा, अंशु बेटा और एक वही हो। हाँ जी बाबा जी। अंशु बेटा देख, होने वाली बहड़िया जो घबरा रही है थोड़ी सी, आ समझाइए तन। ठीक है बाबा जी। कोई बात ना, सब ठीक हो जाएगा, बाबा सब ठीक करवा देंगे। आज देख ले कैसा करकेटा की तरह लहरे ले तो आ रहा। अंशु बेटा या तो मना कर दे मंगल ना बता कुछ भी, वहां को थोड़ा जी कच्चा कदी बेहोश हो जा सुन के। बाबू आप यहाँ हचके कैसे? बताओ भाई बताओ बाबू, पूरी जानकारी दो यहाँ को सुनना बहुत जरूरी है। मंगल मेरे बाबू का हाथ काट दे। हाथ काट दिया, मर गए बच गए? तो बोलवे की तमीज है कि ना, कैसे बोलते हैं? ले लियो प्रसाद, ले ली भलमन साई बताए के। ओ कुत्ते, इन कर्मन तई थारे ब्याह न हो रे। चला जा ना ते, चला जा मेरी औखा ना खेते, नहीं मारते मारते मोर बना दूंगा, पूरे जंगल में नाश्ता फिरेगा फिर। अरे चप्पल तो पकड़ा जा। अरे चुप हो जा बेटा चुप हो जा, मैं कहीं सूतली बम बन के भरोसे थोड़ी हूँ, अभी तो मेरे धोरे परमाणु बम है को, घबरा मत ना तू, रुक जा। अमन, अमन स्वागत तो करो हमारा। हाँ जी बाबा जी। अमन बेटा या लाली के घर कुछ दिक्कत होगी है, बात करिए तो नहीं आते? ठीक है बाबा जी। बाहर भीतर के सामने होश में रह कर तो उस बड़ाऊ में बैठ जाऊ। हाँ जी भाभी जी बताओ कहाँ दिक्कत बन गई? मेरे बाबा जी को हाथ काट दो। हाथ काट दे मतलब हाथ काट दियो, काहे सु काट दियो? अब तो हज के अस्त्र शस्त्र न ला के दिखावे। लाली आपके बाबा जी कहाँ पर है अभी इस वक्त? अस्पताल में। Thank you.
गॉड, ये क्या हुआ चौधरी साहब? अजय हो का ग्रह चढ़ गई। बाबा जी ऐसी कहा गंभीर बात होगी जो न तुम्हारा हाथ ही काट दियो। अजय गंभीर वाली बात का जमीन का कब्जे की बात ही। ए बेटी मनीषा, वो तेरी छोटी बहन ना आई? बाजी मेरी बात हो गई है, वो सीधी अस्पताल को ही आ रही होगी। ओह माय गॉड, इनके तो छोटी बेटी भी है कि अमन बेटा ले जा रिस्क। बेटा मन में लड्डू फूटा। सही कह रहे बाबा जी, रिस्क है तो इश्क है। कहा करा भैया एक्शन। ना बाबा जी ना, इश्क ना, मैं नो करा विक्स, मेरे सिर पर दर्द हो रहा, वो थोड़ी सी विक्स चाहिए ही। बाबा जी मैंने आपको कितनी बार समझाया है, उन लोगों से झगड़ा मत क्या करो, लेकिन आपको किसी की बात समझ कहाँ आती है? अरे बेटा मैं कहा करता, जब कोई वो लड़ने को आया तो मैं भी लड़ पड़ो। बाबा जी तुम्हारे सिवा हमारा है कौन, ये काम करने से पहले एक बार नहीं दो बार सोच लिया करो। अजय जिंदगी एक बेर मिली है तो दो बेर क्यों सोचना, और कौन कह रहा हो तुम से इनके सिवा तुम्हारा कोई ना, मैं हूँ ना। ये कौन है? जे मेरा होने वाला देवर है। अच्छा सुनो दीदी, मुझे ना बुलंदशहर जाना है, मेरा बहुत जरूरी काम है। बाबा जी मैं अपने बाबा जी के सिर पर हाथ धर का कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हारा बदला लेऊंगा, और जब तक थारा बदला ना ले लूंगा ना, मैं अपने घर में कदम नहीं रखूंगा, घर में नहीं बढ़ूंगा। अंटोक चढ़ा ली ना। अंटोक को क्या मतलब बाबा जी, सच्चे दिल से कसम खाई है, जब तक अपनी होने वाली बहू के बाबा, मतलब जब तक अपनी होने वाली भाभी जी के बाबा को बदला ना ले लूंगा, जब तक सच में घर ना बढ़ने को। आप तो सच में रियल हीरो, क्या नाम है आपका? नाम बता दिया तो पहचान बुरा मान जाएगी। ठीक है मत बताओ। अमन भाटी नाम है, और आज बुलंदशहर मत जाइयो, काले ओम पर भूड़ चौराहे पे बहुत जाम है। बाबा जी उन कुत्तेन के नाम बताओ जिनने थारो एक हाथ काटो, उन कुत्तेन के दोनों हाथ काट के थारे एक हाथ पे ला के धर दूंगा। बेटा हमारी लौंडिया बता दे कि मैं तो सदमे में हूं। चलो मैं बता दूंगी। चलो वो तो ठीक है जी, जैसा कि आप बता दोगी। ये भी गैल चली चलती, जब मैं उन्हें धोता तो इन्हें देख कर मजा आता। नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना हो तो कोई बात ना, कल को मेरी संटाग्राम आईडी पे चेक कर लीजो, मैं रील गिरूंगा उन्हें धोने की, और संटाग्राम आईडी है द अमन भाटी। ठीक है देख लूंगी। फॉलो कर दीजो। हाँ ठीक है कर लूंगी। आओ तो भाभी जी हमारे तम चल रहे हैं, गांव से ही चलेंगे बाबा जी। बहू का ध्यान रखना। ठीक है दादी होने वाले वे। बाबा जी, बाबा जी ये कहा लगन जैसे ब्याह के बाद दादसराव लगेगा तेरा। ओके बाय दादसराव। क्यों दादसराव मिस यू। भाई तुम्हें क्या लगा बुड्ढो बदलो ले गई? कोशिश तो जरूर करे वो, ऐसा तो चुप ना बैठे ये बुड्ढो। अरे ऐसा अकेले अकेले मत घूमो, चारों एक गैल रहो, कुछ ना कर पाएगा बुड्ढो। भाई यू बात तो तेरा सही कही है। कौन आ लियो भाई? जे चारों ने तो मैं देख लूंगा होने वाली भाभी जी, तब मेरे काम कर दीजिए, बस अपने फोन में जो ना एक बढ़िया सा फिल्टर लगा के मेरी चार पांच रील बना दी हूं, जब मैं ना धोता रहूं, ठीक है ना? जहां मैं चला जाता हूं वहां हवा भी चलनी बंद हो जा, सीधा तूफान आवे, क्योंकि जो तुम्हारा सामना खड़ा हो ना ये तूफान है, समझ गए बात है, आज तुम्हें कोई बचा ना पाएगा। चालू है क्यों? अभी रहने दो, ये ट्राई वाली अभी सही सुनो, हो पाया मैं तैयार।
वो आपने रील तो डाली नहीं, मैंने चेक किए थे इंस्टाग्राम पे। रील तो बेटा ही घेर देता अगर वे आखिर रील ना बनाते। रील? रील का क्या मसला बिटिया? इसने कहा था कि मैं जब उन लड़कों को मारूंगा ना तो अपने इंस्टाग्राम पे रील बना के डालूंगा। यो, 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 यो। अगर ये संटेग्राम पर रील डाल देता अपने पिटने की, तब तो रोटियां पक जाती तुझे। बाबा तेरा अस्पताल की चारपाई पे पड़ा, ये लौंडा दिलेरी के संग तुम्हारी मदद कर रहा। देख रहे हो चाचा क्या जमाना आगा, मदद कर रहा जब उसे पिटता हुआ देखना चाह रही है ये। यो, 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 यो। ए चाचा इनकी गलती ना, मैं नहीं कह दी इन सुख में संटेग्राम पर रील गिर दूंगा, ये तो वेरी गुड गर्ल है। चाचा मुझे लग रहा वैसा मसला बन गया दीख है ब्याह शादी वाला। तू चुप लगा अमन बेटा, अब तो दर्द ना है, परेशानी तो ना बनने कोई। ए ना बाबा कैसी बात कर रहे हो, मर्द का कोई दर्द होकर है? मैं तो कितनी देर से कह रहा हूँ तुमसे मेरी पट्टी वट्टी ने खुलवा दो, बदला लेना मजा। बदला लेना मजा के इनको। श्यामलाल जी आपके पोते की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, बस थोड़ा मांस फट गया है, ठीक हो जाएगा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मेरी बिन पट्टी न खुलवा दो। आपकी आज नहीं कल छुट्टी होगी। डॉक्टर साहब मेरी छुट्टी कर दो कल को। आपको भी कल भेज देंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब। ठीक है श्यामलाल जी। अमन बेटा अब बदला लेने की ताल करियो, घर चला चलिए चुपचाप कल को। है बाबा जी कैसी बात करे करो, ऐसे थोड़ी होकर है, मैंने थारी कसम खा रखी है कि मैं उन्हें पीठ का मानूंगा, और जो मैं ऐसा कसम तोड़ दूंगा तो कसम बुरा ना मान जाएगी। कल को भगवान ना करे थारा कुछ होगा तो मैं माजी ने कहा जवाब देऊंगा। अरे ऐसे कसम खाने से कुछ भी ना होता, ऐसे मरण लगते तो फिर कहा है? सुबह शाम तक कितने आदमी रोटी से ज्यादा कसम खावे, कुछ भी ना होगा मेरा। अजी हो जाए परेशानी, तुम रिक्स मत लो, थारे कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। चाचा ये कौन है? अरे यही तो असली बीज है, यही तो राड की जड़ है, जाको हाथ ना काट के नाड़ काट देते ना तो राड कट जाती। अमन बेटा हम तो चल रहे हैं और कल को बाज के मिलेंगे। कल मिलेंगे काज का बाबा? अरे हई जहाँ बदलो लेना है, और मैं यू कह रहा हूँ इनमें से कोई सी लाली लाएगा तो गेल। लालिया तो ना देखूंगा बाबा जी, जैसे भी सही लगेगा। भैया तेरी राज ही है वैसे रिस्क है होच के। देख लीजो कभी बाजी उल्टी पड़ जावे। आराम कर बेटा आराम कर, कल आ जाइयो है ना। मेरे महबूब इजाजत होगी आज रुसवा तेरी बस्ती में दरारत होगी, मेरे महबूब
तेरी इजा जा जा लिया चाय बनवा ले, मैं ऐसे ही टाइम काट रहा ले जरा सा मनोरंजन कर लूं। भाई चाचा चाय बहुत लाजवाब बनवाई है तुमने, मजा आओ। भाई खालिद यार दिमाग खराब है, परेशान है हम तो। चाचा दिमाग खराब तो रहेगा ही, परेशान तो रहोगे। आज जो मैंने मंजर देखा वहां पे, उस सब को देख कर मैंने ये अंदाजा लगाया कुछ कर रहे हो, गुपचुप तरीके से कुछ चल रहा, खालिद को ना पता लगन दे रहे हो। ये जो चाचा रिश्ते वाला मसला, ये मेरी समझ में ना आया, इसका बतलाओ क्या मसला? ऐसे रिश्ता की कहा, बस नहीं लग रहे, चुपचाप नौजवान तुक्का लगी जावे, पर तुक्का लगो सो लग न रहे हो, मो लगेगा तुक्का। चाचा बिचौलिया कौन है अब की दफा? बिचौलिया ना कोई भी, बालक अपने आप लगा रहे हैं जुगाड़। यो, 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 यो। मैं तो चाचा देखो इतना ही कहूंगा, खुदा तुम्हारी सभी हसरतों को मुकम्मल करे, पर चाचा गुस्ताखी के लिए माफी का तलबगार हूँ। मुझे लगना रहा बिना बिचौलिया के तुम्हारी हसरतें मुकम्मल हो पाऊंगी, तुम्हारे पौधों का ब्याह मुकम्मल हो पाऊ, परेशानी बनेगी। अबू हमें 17 तरह की तो धता बता मत ना, जाको हमसे बुलाया हुआ को उपाय बता। चाचा उपाय तो तभी बतलाऊंगा जब मुझे सारा मसला पता हो, परेशानी बतलाओ तो सही है क्या, तभी तो रास्ता ही निकालूंगा। मसला की सुन ले, यह हमको छिपाव थोड़ी है। हरो मंगल जो है गंगा शरण की पोती, तो ब्याह की बात चलाई पड़ो। गंगा शरण भी राजी, और मनु कह लो को नौ राजी, राजी है वो भी। गंगा शरण की कई जमीन के विवाद में लड़ाई होगी दूसरी पार्टी से, उन्होंने काट दिया जाको हाथ। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती, या की आई छोटी पोतिया देखने को, हमारा अमन भी होइयो, तो वो अपने जुगाड़ में लग गो। ब्याह को जुगाड़ लगा लगो, अब वही जुगाड़ के चक्कर में अपनी शिकल पिटवाई बैठो। कसम खाइए तो बदला लेऊंगा मैं। कसम किसकी खाली? मेरी खाइए, बाबा जब तक बदला ना लेऊंगा ना, समझ जाओ तू, मेरी कसम खाइए। अच्छा अब समझ में आया मसला मुझे, ये जो बात चल रही ना, जब तक बदला ना ले लूंगा घर ना आने का हूं, इसलिए ना आ रहा। यही मार रही आगा चाचा, सारा मसला खालिद के दिमाग में आगा, ये अपने ब्याह के जुगाड़ के चक्कर में उन्हें पीटना चाह रहा। भूल जाओ चाचा, इससे ना पिटने मारे वो। तो फिर कहा करा भाई? चाचा कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे मुंह एक कावस्सी सुनी, जब घी सीधी उंगली से ना निकलना हो, उंगली को टेढ़ा करके घी को निकाल लो। यू तो खैर कही मैंने, पर मतलब समझ में ना आई। मतलब चाचा सुबह हो दो, सब सही हो जाएगा, तुम चाय पियो, इसको निपटाओ। लग रहा आज तुम्हें देख के, आज तुम्हारा पोता पिटेगा या पीटेगा? अगर याने आज भी ना पीटे तो भैया लाना थे फिर। हालांकि वो उम्मीद है आज ही पीटेगा। चलो चाचा शुरू होने वाला मसला अभी पता लग लेगा ना, कौन कितने पानी में। कहा भाग रहा है लटूरे वाले को देख रहे हो चाचा? भाग रहा है चाचा, तो सही कौन है पिला रहा? पकड़ 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 ऐसे ही। मार 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 मार
योरे बुझा क्यों मार रहे हो चाचा? मार 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 योरे भगदड़ बच गए चाचा, भगदड़ बचा दिया तो लंडे ने। अब चाचा इसके हौसला अफजाई कर कहो तुम है ना। हाजी हौसला अफजाई का, मैं तो यहाँ घर को लेके जा रहा हूँ, तू अपने कौ में करका जल्दी जा। हाँ हाँ चाचा तुम पहुँचो, मैं ले 10,000 हूँ दुबक्के। शाबाश मेरे बेटे शाबाश। बाबा जी पाम छुआ। ऑलवेज विजय भाव, घर को चल अब। देखो बाबा जी मैंने कैसे भगा भगा मारे। हाँ यू तो 10-15 और भी होते तो उन्होंने भी उधेड़ देता। आज तो फम में हो ना, बाकी तरह उड़े हो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। विराट कोहली है बाबा जी। हाँ वही। बाबा जी एक बात को सदमा रहेगा मुँह तो। अब काहे को सदमा रहेगा? जैसा कि बाबा जी एक संटाग्राम पर रील बन के गिर जाती तो वे देख के कितनी खुश होती कि हमारे उन्होंने। हाँ चल बन गई रील, ढिचुम ढिचुम रील बनाई मैंने खूब आज। बाबा मुझे ऐसे क्यों लग रही है तुम खुश ना हुए? खुश हूँ मैं बहुत। मुझे ऐसे क्यों लग रही है अभी तुम नकली हंसी हंस के दिखा रहे हो? हमारी तारीफ ही ना कर सके बुड्ढा, जाके बाबा मेरी तारीफ ना कर रहे मैं बजाओ जब। अरे सुनता सही ना सुन। अभी न्यू तो पता है ही ना कैसे कैसे जीता, कहाँ बताएगा माँ? अरे सुनता सही। अरे सुनता ले। अपने संग वालों को बुला ले। प्रदीप नरेंद्र भैया तुम्हारा भी ना मामला लगे चल रहा, अलहदा ही जिंदगी जी रहे हो है। ले भैया तूने भी बहुत मार खाई है, 100 रुपए तू इनाम ले। 100 रुपए तू ले, वैसे तो 100 रुपए में मारना चाह रहा मैं तुझ पर, 200 चले गए क्या? 100 रुपए कम पड़ रहे अपने में से, 4 जगह कर लियो 300 को है ना, 100 रुपए तो मेरा भी कमीशन बनता ना जी। देखो भाई साहब हमने आपके कहने से पिटाई तो खाली, पर हम कल पंचायत लेकर बाबा श्यामलाल के यहाँ। पंचायत लेकर आओगे? हाँ। पंचायत का क्या मसला भैया? देखो भाई साहब अभी हमें न्याय नहीं मिला, क्या दियो बाबा श्यामलाल से, कल अपने होने वाले रिश्तेदारों को अपने घर पे बुला लेगा। मैं कह क्या दियो, मैं भी कह दे रहा हूँ तेरे सामने ही फोन ही तो करना। चाचा श्याम लाल कुफूर। खालिद है? हाँ खालिद है। चाचा मैं लोंडो के पास खड़ा, ये तो कल पंचायत लेकर आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हमें न्याय ना मिला, अपने रिश्तेदारों को बुला लियो ही ना तुम कल। अब कहाँ ले में है ये? अब मुझे पता ना चाचा, ये तो कल पंचायत में पता लगेगा मसला क्या। चल ठीक है। ठीक है चाचा, कह दिया भैया कल आ जाओ फिर पंचायत में मिलते हैं। अब आदाब अलविदा है।
अमन बेटा अभी भला टली ना हो। कहा होगा बाबा, कहा बता रहे थे आज खालिद? कल पंचायत है, बाकी बात जब भी पता पड़ेगी। होगा ठीक होगा। मिठाई का एक पीस भी ना धरवाया तुमने। कल हौसवा खाली जो ठीक है। एक दो बार और कर दे रही है ऐसे। सारे के सारे चुप बैठ जाओ नीचे को। हाँ भेड़ बकरियान की तरह लड़ने मंड रहे हैं। ऐसे कहाँ पता पड़ रही है फिर बात की? कहाँ बात है? गाड़ा और दुखवा दिया। खालिद आगे एक बात कर अब तू। देखो जी, यहाँ पे आई हुई तमाम हजरात को मैं और चाचा श्यामलाल तय दिल से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और प्रधान जी, आप ही नौके गांव के प्रधान, आपका अलहदा से इस्तकबाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा। आप खड़े क्यों? आप बैठ जाओ, बैठो आप बैठो। व्यवहार तो सबका बढ़िया है प्रधान जी, वो हम कहा है, पर तुम जब परेशानी में आए हो ना, वो बात आगे को बढ़ाओ। देखो जी, ये दोनों पार्टी हमारे गांव की हैं, इनको आपस में झगड़ा चल रहा है, वहां को फैसला करवाने को हम आए हैं। देखिए प्रधान जी, पहले ही कह रहा हूँ, गुस्ताखी के लिए मैं माफी का तलबगार हूँ। अगर आपसे मैं कोई बात सच्चाई के संग कहूँ तो आपको बुरा तो ना लगेगा? ना 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 खालिद मियां, बोलो, आपकी किसी बात का हम बुरा नहीं मानेंगे, आप बताओ। प्रधान जी, जब से मैंने अपनी जिंदगानी का होश संभाला तब से आज तक मैंने आपसे बड़ा जाहिल, आपसे बड़ा नामुराद इंसान ना देखा। आदमी प्लॉट तो खाली पड़ा भैया। खालिद मियां क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बतला रहा? मैं बदतमीजी तो अभी मैंने करी ना, बदतमीजी तो अब करूंगा मैं। चाचा समझा जा, समझा जा, बाहर का आदमी केल बदतमीजी कर रहा। खालिद कंट्रोल, खालिद ठीक ना है ऐसे? है चाचा, क्या ठीक ना है ऐसे? इसको गैरत ना जाहिल को, अपने गांव का मौजूदा प्रधान है तू, अपने गांव के फैसले के लिए दूसरे गांव में आया, क्या फायदा ऐसे प्रधान का? क्यों वोट दी तुमने इसे? मैं गंगा शरण ऐसी बेइज्जती करवाने को लाया है? अरे भैया ऐसा ना है, तू कह रहा है ये हमारे गाँव का पुराने प्रधान है, मौजूदा प्रधान ना है। अरे भैया यार, मुझसे ही गलती लग गई है, ले अपने हेलमेट को पहन ले भैया प्रधान। मौजूदा प्रधान कहाँ फिर तुम्हारे गांव का? मौजूदा प्रधान यार। अच्छा उंगा बैठो मौजूदा प्रधान, दबाइया तन दबाइया, यहाँ पकड़ 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 यहाँ पकड़ 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 पकड़। मैं प्रधान ही करवाऊंगा, वोट ले लेता फ्री की, गांव के मसले ना सुलझाए जा रहे तुझसे। ऐसा बैठा काम पे काम भर के आ जा, तुझे मैं करवाऊंगा प्रधानी। बैठ क्या, बैठ तू। सही लग गई दो चार? अरे बेहतरीन चाचा, बैठो तू। कह रहा तू ना जाहिल का जरा भी, दारू पिला पिला का बोट ले रहा, हराम की बोट आ रही है, गांव का मसले को ना सुलझा रहा जरा भी। चाचा श्यामलाल फैसले करवाओ, हमें अपनी आरपूस करना, बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ करवाओ करवाओ, कार्रवाई करवाओ आगे की। अब ये गंगा शरण कहाँ झगड़ा हो तुम्हारा, बताओ चार आदमी ने? अजी लड़ाई कुछ नहीं, मैं चुपचाप निकल जा रहा हूँ, इन्होंने अकेला देख कर पीट लियो, पर अब मैं इनसे ना पीटूं, अब श्यामलाल मेरे खेल है। Thank you.
मखों में बीज बो रहा हूँ मेरे यार। अभी तो रिश्तेदारी हुई भी ना, तनक मनक बात ही तो चली है। तन तो रिश्तेदारी करो ना चौधरी साहब, बुलाओ अपने पोते ने, 10-10 रुपया दूंगा रोके में। 10-10 रुपया आजकल कौन रुक रहा हूँ 10-10 रुपया में? अपना बजट बढ़ाओ भैया कुछ, जब ही बुलाऊंगा मैं तो। चाचा फेरे ही ना डलवा दे आप तुम्हारे पोतों के। देख लो भैया, हमका तुमसे बाहर थोड़ी है। यो, 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 यो। चाचा वाह बात को फैसला करो, जा बात को ही आए। प्रधान जी, गंगा शरण जी ने तो अपनी परेशानी बता दी, अब आप बताओ ये बालक कैसे उत्पात मचा रहे हैं? भैया हम कहेंगे न्याय की, उत्पाती है बालक ना मचा रहे, उत्पाती गंगा शरण मचा रहा हूँ। भाई ऑब्जेक्शन है प्रधान की बात, प्रधान की बात है, यूं इनकी चार बोटन के चक्कर में अकेले गंगा शरण दबाना चाह रहो। सोमलाल जी मैं एक बार चुनाव हार गऊ, अब वो चुनाव न लड़ना, मैं बता रहा हूँ सच्चाई। जाहिल प्रधान क्या सच्चाई बतलाएगा तू? इस बेसहारा बुजुर्ग लाचार बुड्ढे के साथ जो अत्याचार हो रहा वो बतलाएगा तू? बतलाएगा तू इस बात को इस बुजुर्ग की? सारी जमीन कब्जाए पड़े जाहिल, बतलाएगा इस सच्चाई को तू? कौन कह रहा हो, कौन कह रहा हो भाई? गंगा शरण की जमीन पे इन बालकन ने कब्जा कर रखो, कब्जो तो गंगा शरण ने इनकी जमीन पे कर रखो 4 बीघे पे। गौ मजा के देखो, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं ये, या गंगा शरण है इनके घर जमीन पे सब पे कब्जा कर रखो। और मेरी बात पे विश्वास ना हो ना तो बैठो गांव का मौजूदा प्रधान, वहां से पूछ लो, और वहां से कहा ये बीजू से पूछ लो। अबे भैया मौजूदा प्रधान, मैं क्या कह रहा है, हारा हुआ प्रधान बतलाता क्यों ना तू? हाँ जी सच कह रहा बिल्कुल ही। गंगा शरण एक फिर यू कहते ही सब झूठ है, कहते एक फिर झूठ है यू। बोल गंगा शरण बोल। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। गंगा शरण जी इस तरह चुप रहने से काम न चलने का, सच्चाई बतलाओ ना, सच्चाई क्या क्या कह रहा है बैठ कर तुम्हारे साथ में प्रधान? ना जी सच है जी, सच है यू, कब्जा तो मैंने कर रखो, मुझको शौक है जी कब्जा करने को। खाली यार गंगा शरण पे गलती होगी, अब ये फर्जी प्रधान तो न्यू तो बूझ कहीं हरोमिन ने मेरे गंगा शरण को हाथ क्यों काटा है। बतावे भैया फर्जी प्रधान बतला, इतनी सी बात पे कानून को हाथ में लिया इन लोंडो ने, गंगा शरण जी का हाथ काट दिया जरा सी बात पे। कौन कह रहा है गंगा शरण को हाथ इन बालकन ने काटो? गंगा शरण को हाथ न्यार काटती हुई मशीन में वा टाइम कट गो जब इन बालकन को जन्म भी न हो। गंगा शरण कहते ही झूठ है, कहते ही झूठ है। अब चाचा झूठ और सच का फल छपाई क्या? अभी तो जख्म भी हराई पड़ा होएगा गंगा शरण जी का, एक बार अपने हाथ को खोल के दिखला दे ना। दिखलाओ दिखलाओ दिखलाओ। देखो जी हाथ मेरा भले ही बचपन में कटा है पर इनकी मेहतारी की वजह से कटा है। इनो की मेहतारी की वजह से कटा? भैया इनो की मेहतारी ने क्या कर दिया ऐसा जो तूने अपना हाथ काट लिया? अरे मोहत शर्म से लगा है ये बता रहे प्रधान। अरे बताऊं कहा, इन बालगन की मम्मी आगे लगे भाभी वो लिकड़ी जा रही यू मशीन पे नार काट रहो वाने लाड में क्या दी वेरी स्मार्ट बॉय हरिया पता ही ना लगी कद में गहरा गैल हाथ गंडा से में चलोगो। खालिद मेरे अटैक पड़ जाएगा बे, यार होते ले जानी मैं निमटा दूंगा बता रहा हूँ। आदमी एक बात देखी तूने, चाचा श्यामलाल के टक्कर का मिलाप की दफा, ए वेरी स्मार्ट बॉय। और सुनो जी भाई साहब, ये गंगा शरण इन बालकन को सगो चाचा है। भैया सगा चाचा? बाप प्रधान जी देखो गुस्ताखी के लिए एक दफा फिर तालाब का रूम में, तुम तो है ही हरामी, ये गंगा शरण तुमसे भी बड़ा हरामी है। गंगा शरण जी ऐसा मत करो, इन बालकन की जमीन जायदाद छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। अजी कैसी बात कर रहे हो, कतई मैं छोड़ू या मार तो अपनी पोती भी आ रहा हूँ श्यामलाल का, जो श्यामलाल मेरी मदद करे।
भैया मौजूदा प्रधान बोलना रहा जरा भी, गर्दन को जमीन पर डाल के बैठा। अजी बेचारा कहा बोलेगा या कि खुद की डेढ़ बीघे दवा रखी गंगा शरण ने। सगरी पोल खोलेगा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। गंगा शरण तू तो बहुत जोर को रिश्तेदार मिलो हमें, समधी मिलाई कर कहूँ यहाँ पे, समधी मिलाई को आ जा भाई। खाली पकड़ यार, जल्दी जल्दी जा, डंडा लेकर जा, जल डंडा, चल 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 आदमी, ना मैं बनाऊंगा काम में दिख ना जावा ये। बचगो बेटा श्यामलाल, आज बचगो, अगर ये गंगा शरण से आज रिश्ता जुड़ जाते तो बची हुई जिंदगी जेल में कटती। हे मेरे बाबा, हे मेरे प्रभु, मेरे पोते इनको ब्याह होइयो या मत होइयो, पर ये गंगा शरण जैसी बलांते दूर राखियो। वो बाबा जी बांसी छुआ कैसे रही बाबा जी, रिश्ता की बन गई बात, आपके देव उठेन पे तो हो जाएगा ना कम। हे हो जाएगा, आशीर्वाद तो ले ले मेरे पोते। बाजे पावन में लोटी लोटा। आजा तेरे देव उठाऊंगा, आजा। तो राम राम जी सभी को, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, सभी के साथ कर दो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बनाए रखें। मेरे साथ ये भाई हैं, भाई का नाम है गंगा शरण और अभी गेटअप कर रखा है भाई ने, तो आपको लग रहा होगा काफ़ी एजड होंगे लेकिन ये ज़्यादा एज नहीं है, भाई यंग ही हैं। तो भाई मुझसे मिलने आए थे घर पर सोमवार में, तो ये एज ए फैन आए थे, लेकिन मैंने जब भाई को देखा तो मुझे लगा मुझे भाई की हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने इन्हें अपनी तरफ से बोला था कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, और भाई मेरे साथ जुड़ गए। देखो मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप सब हमारे परिवार के लोगों, छोटे बच्चों को जिन्हें जिस चीज़ की समझ ना हो और वहाँ खतरा हो सकता है वहाँ ना जाने दें उन्हें। वहाँ देखो जैसे गाँव में नार काटने की मशीन, उनमें बच्चों से गहरे पकड़वाते हैं, वो सब ना करें क्योंकि वहाँ बच्चों को रिक्स हो सकता है। ऐसी एक घटना का शिकार हुए थे भाई बचपन में, तो बड़ा दुख हुआ भाई से मिलके, और मैं चाहूँगा भाई आपसे कुछ बोलें, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ भैया, कुट्टी मशीन से दूर रखें बच्चों को, मेरे साथ में हुआ है, मुझे झेलना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप इसे दूर रखें। तो अभी भाई मेरे साथ हैं और मैं भाई से वीडियो करवा रहा हूँ ये, आप भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अपना आशीर्वाद भाई को भी दें जैसे हमें देते हो। तो और भी कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हाँ भाई, मेरा भी साथ दे दो, मेरा भी हाथ जोड़ कर नमस्कार है। तो जी सभी को फिर से एक बार राम राम जी, ख्याल रखें अपना, ठीक है गंगा शरण जी? ठीक है जी। गंगा शरण जी वाकई बहुत प्यारे इंसान हैं। ओके जी।